मित्रों, मैं तरुण शर्मा, मेरे अगला जो वीडियो है उसमें स्वागत करता हूँ। और यह वीडियो जो है वह षड्यंत्र और षड्यंत्र की रचना और उसके रहस्य इससे संबंधित है। तो यह जो रहस्यमय श्री विद्या का जो स्वरूप है, जिसे हम षड्यंत्र कहते हैं, श्रीचक्र कहते हैं, यह एकमात्र ऐसा यंत्र है जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा इत्यादि से श्री को हम संबोधित करते हैं, और इसी को श्री विद्या कहा जाता है। साधक को लक्ष्मी, संपदा, विद्या आदि को आदि की देने वाली ही जो विद्या होती है उसे श्री विद्या कहा जाता है। श्री यंत्र 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 राज को भी कहा जाता है। इस यंत्र में कलयुग में जो कामधेनु के समान जो साधना मानी गई है वह षड्यंत्र साधना मानी गई है। यह संपूर्ण मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली है। इसमें षड्यंत्र को कल्पवृक्ष कहा गया है, जिसमें जिसके सानिध्य में सारी कामनाएं पूर्ण होती है। यदि आपके जन्म कुंडली में केमद्रुम, दारिद्र, शकट, रुण इत्यादि जैसे काक वगैरह जो कुयोग जो होते हैं उसको उसका शमन करने के लिए षड्यंत्र साधना अत्यंत प्रभावशाली है। और उसी के साथ साथ मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली भी यह विद्या है। इसकी कृपा से जो है मनुष्य अष्ट सिद्धि और नव निधियाँ भी प्राप्त की जा सकती है। इसकी पूजा से शक्ति स्तंभन व पंच तत्वों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और षड्यंत्र का पूजन जो है हमारे रुके हुए कार्य को पूर्ण करने में प्राप्त मतलब पूर्ण करने की शक्ति रखता है। तो षड्यंत्र अपने आप में रहस्यपूर्ण है। ये हम इसके कुछ इसकी जो आकृति है इस पे हम बात करते हैं। यह 7 त्रिकोण से निर्मित है। मध्य बिंदु त्रिकोण के चतुर्दिक अष्टकोण है, उसके बाद 10 कोण तथा ऊपर चतुर्दश कोण से निर्मित षड्यंत्र निर्मित होता है। यंत्र ज्ञान में इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चतुर्भि शिवचक्रे शक्ति चकेर पंचाभि नवचक्रे संसिद्धम श्रीचक्रम शिव शिवयोर्भुः। षड्यंत्र के चतुर्दिक 3 पारधियाँ खींची जाती है। ये अपने आप में 3 शक्तियों का प्रतीक है। इसके नीचे षोडश दल पद्मदल होते हैं। इन षोडश पद्मदल के भीतर अष्टदल कमल का निर्माण होता है जो कि अष्टलक्ष्मी का परिचारक है। अष्टदल के भीतर चतुर्दश त्रिकोण निर्मित होते हैं जो चतुर्दश शक्तियों के परिचायक है। और इसके भीतर 10 त्रिकोण देखे जा सकते हैं जो कि 10 संपदा के प्रतीक है। 10 त्रिकोण के भीतर 10 त्रिकोण के भीतर अष्ट त्रिकोण निर्मित होते हैं जो अष्ट देवी के सूचक कहे गए। इसके भीतर एक जो त्रिकोण होता है जो लक्ष्मी का त्रिकोण माना जाता है। इस लक्ष्मी के त्रिकोण के भीतर एक बिंदु निर्मित होता है जो भगवती का सूचक है। साधक ने इस बिंदु पर स्वर्ण सिंहासन रूढ़ा भगवती माँ लक्ष्मी की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार से षड्यंत्र 2816 शक्तियाँ अथवा देवियों का सूचक है। और षड्यंत्र की पूजा इन सारी शक्तियों की समग्र पूजा की जाती है। षड्यंत्र का रूप ज्यामितीय रूप से इसकी संरचना में बिंदु, त्रिकोण, त्रिभुज, वृत्त, अष्टकमल का उपयोग होता है। तंत्र के अनुसार षड्यंत्र का निर्माण 2 प्रकार से होता है। भीतर से जो भीतर की तरफ से जो निर्माण होता है वो सृष्टि के क्रम में होता है, और बाहर की तरफ से जो निर्माण होता है वह संहार क्रम में होता है। तो सृष्टि क्रम के अनुसार बने श्रीमुख में श्रीयंत्र में 5 ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण होते हैं जिन्हें शिव त्रिकोण कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक है। और 4 अधोमुखी त्रिकोण होते हैं जिन्हें शक्ति त्रिकोण कहा जाता है। ये प्राण, मज्जा, शुक्र व जीवन के द्योतक है। अब संहार क्रम में जो श्रीयंत्र बनता है उसमें 4 ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण होते हैं शिव त्रिकोण होते हैं, और 4 अधोमुखी त्रिकोण शक्ति त्रिकोण होते हैं। श्रीयंत्र में 4 भुजाओं का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि उनसे मिलकर 43 छोटे त्रिभुज बनते हैं जो 43 देवताओं के प्रतीक है। मध्य के सबसे छोटे त्रिभुज के बीच में एक बिंदु होता है जो समाधि का सूचक है, अर्थात शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है। इसके चारों ओर जो 43 त्रिकोण होते हैं वे योग मार्ग के अनुसार यम जो कि 10 होते हैं, नियम जो कि 10 होते हैं, आसन 8, प्रत्याहार 5 प्रकार की धारणाएं, 5 प्रकार की प्राणायाम, 3 प्रकार के और ध्यान के 2 स्वरूप इसमें पाए जाते हैं। इन त्रिभुजों के बाहर की तरफ 8
कमल दल वाला समूह होता है जिसके चारों तरफ चारों ओर 16 दल वाला कमल समूह होता है। इन सब के बाहर भूपुर है। मनुष्य शरीर की भांति ही श्रीयंत्र की संरचना में भी 9 चक्र होते हैं। इनका क्रम अंदर से बाहर की ओर होता है। केंद्रस्थ बिंदु पर त्रिकोण का जो सर्व सिद्धिप्रद कहलाता है, फिर 8 त्रिकोण सर्व रक्षाकारी, उसके बाहर के 10 त्रिकोण सर्व रोगनाशकारी, फिर 10 त्रिकोण जो होते हैं वो सर्वार्थ सिद्धिकारी, उसके बाहर 14 त्रिकोण जो होते हैं वह सौभाग्यकारी, फिर अष्टदल कमल का समूह दुख क्षोभ आदि के निवारण का प्रतीक है, उसके बाहर 16 कमल दल का समूह इच्छा पूर्ति का कारक है। अतः अंत में सबसे बाहर वाला भाग त्रैलोक्य मोहन के नाम से जाना जाता है। इन 9 चक्रों की अधिष्ठात्री 9 देवियाँ जो कि त्रिपुरा, त्रिपुरेशी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुरात्री, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुर सिद्धा, त्रिपुरांबा और महात्रिपुर सुंदरी होती है। श्रीयंत्र का निर्माण उसकी प्राण प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा महत्व होता है इसमें, और उसके प्रभावशाली होने का भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्व रखती है। श्रीयंत्र निर्माण में अपने आप में जाटिल प्रक्रिया है यह, और यह जब तक सही रूप से यंत्र उत्कीर्ण नहीं होता तब तक उसमें सफलता संभव नहीं है। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित श्रीयंत्र के स्थापन से साधक शीघ्र लाभ प्राप्त करता है। श्रीयंत्र चाहे तम्र पर उत्कीर्ण हो चाहे पारद निर्मित श्रीयंत्र हो, उसके प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही उसका लाभ प्राप्त होता है। जब आप घर में श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित विधि विधान के साथ होना चाहिए। साधना में सफलता हेतु गुरु का पूजन अत्यावश्यक है। दिव्यापरा सुधवलारुणम चक्रयाता मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्मकाया स्थित्यात्मिका शरधनु सुनीपाशहस्ता श्रीचक्रता परिणता सतता नमामि। श्रीयंत्र के ध्यान के पश्चात श्रीयंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि 108 बार उस प्रार्थना का आप लोगों ने उच्चार करना चाहिए, जो अत्यंत लाभदायक माना गया है। धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्तिर्मायुर्षम श्रियम दुर्गान दत्तिनम पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छमे। ध्यान के पश्चात श्रीयंत्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कमलगट्टे की माला से निम्नलिखित मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। सबसे सर्वाधिक लाभकारी जो बीज मंत्र है वह यही है। और श्री विद्या उपासना में भगवती के 4 स्वरूपों का यजन होता है। श्री बाल त्रिपुर सुंदरी जो कि धर्म की प्रतीक है, श्री महा त्रिपुर सुंदरी जो कि अर्थ की प्रतीक है, श्री राज राजेश्वरी जो कि काम की प्रतीक है, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी जो कि मोक्षदायिनी है। इस तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध कामना सिद्धि के लिए श्री विद्या उपासना का यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। श्रीयंत्र पूरे ब्रह्मांड का चौक स्थान है, उसमें देवी देवताओं के स्थान का प्रतीक है, सभी देवी देवताओं के स्थान का प्रतीक है। इसमें एक ही यंत्र में 2882 देवी देवताओं का एक साथ पूजन होता है, इसलिए श्रीयंत्र की पूजा के बाद किसी भी पूजा की आवश्यकता नहीं रह जाती। शिव और शिवा का उनके सभी 2882 आवरण देवताओं सहित विधिवत पूजन करना, इसका अर्थ ही होता है श्रीयंत्र का पूजन। धन्यवाद।